Good morning, students. We were doing the present tense. Already two part have completed, and now today we will discussion the next part, present perfect tense. Present perfect tense की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुके हैं, चुका है, चुकी है, आए, उसे हम present perfect tense कहते हैं. इस टेंस में भी आपका तरीका जो होगा वो वैसे ही होगा जैसे पहले हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे वो हैज हैव. इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे वो हैज हैव यूज होंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. फॉर एग्जांपल, लड़के अपना काम समाप्त कर चुके हैं. क्या आएगा? बॉयज हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क. अपना है तो क्या आएगा? देयर. तो इसी तरह नेगेटिव में कैसे करेंगे इसको? जब नेगेटिव में लेके जाएंगे तो कैसे आएगा? बॉयज हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क. उस तरह जब आप क्वेश्चन में लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा. हैव बॉयज फिनिश्ड देयर होमवर्क. उसके आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन. तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है. जैसे एक वाक्य मैं यहाँ पे और लिखती हूँ. वे अपना पार्ट पढ़ चुके हैं. तो क्या आएगा यहाँ पे? दे के साथ क्या आएगा? हैव. दे हैव रेड. स्पेलिंग इसकी वही रहेगी लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, इसको रेड पढ़ा जाएगा. दे हैव रेड. दे के साथ अपना है तो क्या आएगा? देयर लेसन. हैज जो है वो एक बार मैं फिर से आपको, हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा और हैव जो यूज होगा वो प्लूरल के साथ यूज होगा. इसी तरह से जब हम इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? दे हैव नॉट रेड देयर लेसन. उसी तरह से जब हम इसको इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब जो है इसका पहले आ जाएगा. हैव दे आ जाएगा. हैव दे रीड या रेड देयर लेसन. यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. तो बच्चों आपने इसको अच्छे से देखना है, समझना है. बहुत इजी टेंस है. एक बार आप पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.